नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल SB मेडिसिन में। आज अपन बात करेंगे महासेफ ड्रॉप्स के बारे में। महासेफ ड्रॉप्स को डिस्कवरी मैनकाइंड कंपनी बनाती है, जिसकी जो प्राइस है वो है 59 रुपये और 99 पैसे पर पैक। ये 10 ml के पैक में होता है। इसमें जो कंटेंट डाला गया है वो है सेफेक्सिम 25 mg। इसका यूज़ आप स्पेशल डॉक्टर सलाह से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये ड्रॉप्स आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। महासेफ ड्रॉप्स एक थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन ग्रुप से रिलेटेड एक एंटीबायोटिक दवा है, जिसे बच्चों में से कहते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गए हैं, जिस कारण से निमोनिया की शिकायत हो गई है, और भी उसे ब्रोंकाइटिस की समस्या है, थ्रोट इन्फेक्शन के कारण उसे गले में दर्द, जलन, चुभन या फिर कुछ भी निकलने में परेशानी हो रही है, यानी भी कुछ भी निकलते टाइम उसे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अटक रहा हो। साथ ही उसे अगर स्किन इन्फेक्शन की समस्या हो गई, यानी कि आपकी स्किन पर फोड़ा फुंसी हो गए हैं, कोई घाव, कोई छोटा मोटा, मतलब अगर आपको जल गए हैं, कट गए हैं, छिल गए हैं, तो ऐसे में भी उन घावों पर इन्फेक्शन ना हो उससे बचाकर, मतलब उन घावों को जल्दी ठीक करने में ये काफ़ी अच्छी दवा है। और भी कोई आपको सर्जरी या ऑपरेशन हुआ है और वहाँ पर टाँके लगे हैं, तो उन टाँकों वाली जगह पर इन्फेक्शन ना हो और उस सर्जरी वाली जगह पर गाँव, वो जो जगह है उसका गाँव जल्दी से ठीक हो जाए, ऐसे में भी इसका यूज़ काफ़ी इफेक्टिव है। साथ ही बच्चे को अगर टाइफाइड बुखार आ गए हैं तो भी डॉक्टर से यूज़ में लेने की आपको सलाह दे सकते हैं। और भी UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण पेशाब में दर्द या जलन की समस्याएं, ब्लड इन्फेक्शन हो गए हैं, हार्ट इन्फेक्शन, हड्डियों और जोड़ों का इन्फेक्शन है, ब्रेन इन्फेक्शन यानी मेनिनजाइटिस की समस्याएं, साइनस इन्फेक्शन के कारण किसी तरह की समस्याएं, ओटाइटिस मीडिया यानी कान के संबंधी कोई समस्या हो गए, आपको टॉन्सिलाइटिस है, किडनी का इन्फेक्शन हो गए हैं, सुजाक, सिस्टाइटिस, गोनोरिया या फिर कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हो गए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, पेरिटोनाइटिस या फिर न्यूट्रोपेनिया की समस्या है, तो इसी सभी समस्याओं में इसका यूज़ काफ़ी इफेक्टिव है। और भी ये एक एंटीबायोटिक दवा है, इस कारण इसके और भी कई मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं, जो कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार इसे अलग अलग बीमारी में आपको यूज़ में लेने की सलाह दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, कहीं मतलब कहीं से आपको मवाद की समस्या हो रही है, जैसे आपका कान पक गया है, या फिर बाहरी कान का इन्फेक्शन जैसे ओटाइटिस, जिसे क्या ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं, उसकी समस्या है, आपके पैर के या फिर हाथ के नाखून में लग गए हैं और उस जगह पर पक गए हैं, वहाँ मवाद भर गए हैं और वहाँ काफ़ी तेज़ दर्द है, तो भी ऐसे में इसका यूज़ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इफेक्टिव है। जानते हैं इसके साधनों के बारे में। तो अगर आपके बच्चे को इसमें मौजूद कंटेंट से एलर्जी है, हार्ट इन्फेक्शन है, ब्लड डिसऑर्डर है, जन्म से कोई दोष है, लीवर इम्पेयरमेंट या फिर किडनी माल फंक्शन जैसी स्थिति है, तो इसी सभी कंडीशंस में इसका यूज़ करने से पहले उसकी जो भी स्थिति है वो डॉक्टर्स को जरूर बताएं। डोज की अपन बात करें तो ये एक पाउडर बेस की दवा है, जिसके साथ में आपको स्टील वाटर मिलता है, तो उसे इसमें मिला के अच्छे से हिलाना है और इसे छोटे बच्चों में 1 से 1.5 ml सुबह शाम और बड़ों में से 1.5 से 2 ml सुबह शाम आपको लेने की कहा सकता है। और अलग अलग मरीज और उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका डोज चेंज हो सकता है, जो कि आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। बात करते हैं इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में। तो इससे आपको पेट दर्द, अपच, डायरिया, उल्टी जी घबराना और आपको चक्कर आने जैसी समस्या हो सकती है, और कई बार मतलब एलर्जिक रिएक्शन कारण उसको रेसेज वगैरह खुजली चलना जैसी समस्या आपको हो सकती है। ये जो साइड इफेक्ट है ये कुछ टाइम लेते हैं, कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर ये साइड इफेक्ट अगर लंबे टाइम तक बने रहते हैं या फिर इनके अलावा कोई भी अदर कंडीशन क्रिएट होती हैं, तब ऐसे में आप इसका यूज़ बंद करके तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।